कानपुर कांड में बुलंदशहर का घायल सिपाही अजय कश्यप आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हुए बुलंदशहर के कस्बा डिबाई स्थित अपने घर पहुंचा। ऑपरेशन में शामिल अजय उस काली रात का चश्मदीद भी है। घायल सिपाही अजय ने खौफनाक ऑपरेशन का सच सामने रखा तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। सिपाही अजय का कहना है कि वह रात किसी सुन काली अमावस की रात से कम नहीं थी। चारों तरफ सुन काला अंधेरा और गोलियों की बारिश हो रही थी। देखिए रिपोर्ट अजय की जुबानी। अजय के मुताबिक गुरुवार रात करीब 12:15 पर सीओ की अगुवाई में 3 थानों की पुलिस कुख्यात अपराधी विकास दुबे के घर दबिश देने के लिए निकली थी। पुलिस ने अपने वाहन गांव से बाहर खड़े कर दिए और पैदल ही विकास दुबे के घर की तरफ निकल पड़ी। विकास दुबे के घर से करीब 200 मीटर दूर रास्ते में एक जेसीबी मशीन खड़ी हुई थी। पुलिस जेसीबी मशीन को क्रॉस कर विकास दुबे के घर की तरफ बढ़ी। पुलिस ने विकास दुबे की छत पर टॉर्च मारी तो वहां एक आदमी दिखाई दिया। पुलिस विकास दुबे के घर की बैकसाइड से घेराबंदी करना चाहती थी। पुलिस विकास दुबे के मकान की बैकसाइड जाने के लिए कोने पर पहुंची ही थी कि गोलियों की बौछार शुरू हो गई। पहली बार में ही बदमाशों ने 20 से 22 राउंड फायरिंग पुलिस पर की। गोली सिपाही अजय सेंगर और सिपाही अजय कश्यप को लगी। घायल पुलिसकर्मी ने कवरिंग फायर करते हुए पहले एक दीवार और ट्रॉली की आड़ ली और एक क्षतिग्रस्त मकान से होते हुए गली में पहुंच गए। इसके बाद गली से होते हुए घायल पुलिस वाले किसी तरह अपनी जान बचाते हुए अपनी जीप तक पहुंचे। हमारी ड्यूटी अपने थाना मीटर क्षेत्र में चल रही थी तो एस एस आर का फ़ोन आता है 12 बजे के आसपास कि हमें बिकरू गांव में दबिश के लिए जाना है। और सीओ बिल्डर साहब का फ़ोन आया था उनके पास जिनकी डेथ हो चुकी है उस एनकाउंटर में। तो हम अपने थाने से निकले 12:30 बजे के आसपास। हम थाने से गए थे 2 गाड़ी 10 लोग गए थे जिसमें कि जिसमें और फिर वहाँ जाके हमें रास्ते में सीओ बिल्लोर और एस ओ शिवराजपुर एस ओ चौहेपुर की गाड़ियाँ मिलती हैं और उनके साथ हमारी गाड़ियाँ लग जाती हैं। गाड़ी जाने के बाद गाड़ी बिकरू गांव पहुँचते हैं हम, फिर वहाँ पे गाड़ी गांव से बाहर खड़ी कर देते हैं। मतलब विकास दुबे घर से 200 मीटर के आसपास 200 मीटर से दूर गांव से बाहर ही। जब गांव में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है गाँव में कोई लाइट नहीं है। लाइट थी नहीं, मतलब गाँव में उस दिन बिल्कुल अंधेरा था और कोई भी व्यक्ति घरों से बाहर नहीं भी सो रहा था। तो हम वहाँ पहुँचते हैं विकास दुबे घर के पास पास। जब गाड़ी से सब उतरे तो हमारे मतलब कोई ब्रीफिंग नहीं की गई जैसे होता है तब इससे पहले कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो हमारे थाने के बिठुर के पहली बार उस गांव में गए थे बिकरू गांव। आज से पहले हम कभी बिकरू गांव नहीं गए, ना ही हमें पता था बिकरू गांव में कौन सी गली कहाँ जा रही है, ना कभी उसका घर देखा हमने विकास दुबे का। तो हम वहाँ गए तो सारे लोग इकट्ठे हुए एक साथ चल दिए और फिर आगे जाकर रास्ते में हमें एक जेसीबी मिली जो कि विकास दुबे घर से 30-35 मीटर के सामने लगी पड़ी थी। तो जेसीबी लगने पर जेसीबी से एक एक लोग क्रॉस हो पा रहा था नीचे से। तो किसी ने टॉर्च मारी वहाँ पे उस विकास दुबे घर पे, तो वहाँ पे एक आदमी दिखाई दिया। तो उस आदमी दिखाई देने के बाद सब बोलते हैं, कुछ लोग लेफ्ट साइड गए घर के, कुछ लोग राइट साइड गए। तो हमारे एस ओ सर कौशलेंद्र प्रताप सिंह वो लेफ्ट साइड गए तो उन्होंने आवाज़ लगाई अजय। हमारे थाने में 2 अजय, अजय सेंगर और अजय कश्यप मैं हूँ। तो उन्होंने जब बोला तो हम दोनों अजय उनके पास गए। हम घर के लेफ्ट साइड जा रहे थे क्योंकि घर के पीछे से उसे घेरते, इसलिए हम घर के लेफ्ट साइड जा रहे थे। तो घर के कोने तक ही पहुंच पाए थे तभी ताबड़तोड़ फायरिंग चालू हो गई। कम से कम 20 से 22 राउंड आए होंगे पहली बार में। तो हमारे फर्स्ट टाइम में गोली लग गई थी स्टार्टिंग में, शुरू के 30 सेकंड में हमारी गोली लग गई थी। मेरे यहाँ गोली लग गई हाथ में और छरे लग गए टांग में। एसओ सर की गोली लग गई थी हाथ में और उनके भी टांग में गोली लगी थी। तो और अजय से अंगड़ थे उनके 2 गोली पेट में लगी थी, वो वहीं गिर गए थे। फिर अचानक से उठे वो, फिर हम तीनों ने एक दीवार की आड़ ली, लेकिन वो दीवार की आड़ ऐसी थी जो विकास दुबे घर से गोली आ रही थी वो वहाँ से हम साफ दिख रहे थे। तो फिर सर ने बोला, हमारे सर ने, कि हम दोनों के लिए।
चलो सर को नहीं पता था उनको गोली लग चुकी है, उन्हें हम दोनों की पता था हमारी गोली लग गई है, तो सर ने हमें बचाने के लिए कवरिंग फायरिंग करी अपनी पिस्टल से, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें पता नहीं था कि वहाँ पे गली फली है भी या नहीं है, तो सर ने फिर एक पहले सर गए, सर ने एक ट्रॉली की आड़ ली, आड़ ले कर फिर उन्होंने देखा वहाँ गली है, तो फिर उन्होंने हमें बुलाया ट्रॉली के पास, फिर हम वहाँ पहुँचे और फिर एक वहाँ से गली थी, फिर वहाँ से हम निकल के और अस्पताल पहुँचे वहाँ से हम। लेकिन वहाँ पर ऐसा था किसी को ये नहीं पता चल रहा था गोलियाँ आ कहाँ से रही हैं, वहाँ बहुत अंधेरा था, बस विकास दुबे घर के आगे एक बल्ब जल रहा था, उसकी भी बल्ब की हाइट इतनी थी बस नीचे वाले दिखाई दें, जो जहाँ से गोलियाँ आ रही हैं वो दिखाई नहीं दे रहे थे, तो सबने सोचा विकास दुबे घर से गोली आ रही हैं, तो सबने इस प्रकार से आड़ ली कि बस इन गोलियों से बचना है, लेकिन गोलियाँ पीछे से भी दो तरफ से और आ रही थी, तो इसलिए ज़्यादा कैजुअल्टी हो गई हमारे बिठोर थाने की, 4 कैजुअल्टी हुई हैं और भी हुई हैं CO साहब की। तो हम वहाँ से आ गए अस्पताल आ गए से, फिर हमारा चलो वहाँ से फिर हमें खबरें आती रहीं ऐसे ऐसे हुआ ऐसा, तो हमें संभावना मतलब थोड़ी बहुत लगती भी है, क्योंकि वो उनकी फुल प्लानिंग थी, पहले से तैयार थे वो हमारे हिसाब से, तो बहुत तैयार थे मतलब, हाँ तो हमें तो इस बारे में कम जानकारी थी, बाद में हमने भी न्यूज़ पर देखा है जो चौहपुर के ऐसे होते बिना तिवारी उन्हें कर दिया गया सस्पेंड, तो हो सकता है हमारे लिए तो वो थाना बिल्कुल अनजान था, हम तो वहाँ कभी नहीं गए चौहपुर, पहली बार गए थे। हाँ हाँ उनकी तो पहले से पहली प्लानिंग थी, वो तो बिल्कुल तैयार थे, विकास दुबे के बदमाश तो बिल्कुल तैयार थे एकदम। हाँ वो 4 बॉडी हमारे थाने के थे एक साथ जो थे, उनके बारे में ये जानकारी मिली, वो मतलब वो उन गोलियों से बचे जो विकास दुबे घर से आ रही थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था गोलियाँ दो साइड से और आ रही है, तो वो उस वजह से अंदाजा ऐसा 3 तरफ से गोलियाँ आई थी लगभग, मेरे हिसाब से वहाँ और होंगे और पास तो 10 से 15 के आसपास होंगे आदमी, हथियार राइफल और 12 बोर दुनाली और भी और बम भी थे उनके पास, उन्होंने बम से बम भी फेंके बाद, हाँ हाँ बम चलाए उन्होंने बाद में, जो हमारे कुछ बच के आए उन्हें बताया उन्होंने बम भी चलाए बाद में, फिर हमने जब हम वहाँ दीवार आड़ में खड़े थे तो हमें आवाज़ आई थी बम फेंको बम, तो तभी हमारे सर ने बोला था यहाँ रुकना सही नहीं है, वरना सर हम रुकते और फायरिंग भागने की ना सोच रहे थे, उन्होंने बम की वजह से क्या हमारी, और पहली बार तो हमको दिख नहीं रहा था फायर हम करें तो कहाँ करें, बिल्कुल अंधेरा था, हम बिल्कुल मतलब फायर करने में नाकाम थे, तो इसलिए हमें वहाँ से निकलना पड़ा और हमारे दो की गोली लग चुकी थी, सर ने हमारी जान बचाने के लिए ये भी कदम उठाया कि यहाँ से निकलने में ज़्यादा, वहाँ कम से कम हम तो स्टार्टिंग में हम दोनों की गोली लग गई, तो सर हमें निकालने हमें बचाने के लिए हमने मतलब लग बाई चांस बची गई, वरना जो आगे जो पहुँच चुके थे अधिकतर लोगों की डेथ हो चुकी थी, तो हम तो हमें गली में लगी पता नहीं कैसे भगवान की दुआ से, वरना हमें पता नहीं था यहाँ गली भी है, तो हम आगे निकल के वहाँ से, तो हम तो स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में गाड़ी तक पहुंच गए थे, ड्राइवर खड़ा था तो हम अस्पताल आ गए, तो उसके बाद तक मतलब आधे पौन घंटे तक फायरिंग वहाँ चलती रही है, क्योंकि वो जो थाना है वो कानपुर देहात के बॉर्डर पर है, पुलिस की हेल्प आने में भी टाइम लगता वहाँ पे, क्योंकि पुलिस कानपुर पुलिस आती है वो कानपुर देहात है, तो इसलिए थोड़ा वहाँ टाइम लग गया, आधा पौन घंटा करीब ढीले इसलिए पड़े क्योंकि हमें पहले से ब्रीफिंग नहीं मिली थी, ब्रीफ करते ना किसी तभी समझाने के पहले हमें ब्रीफिंग नहीं करी गई थी बिल्कुल भी, CO साहब को पता ही नहीं फायरिंग ऐसे अटेंडम हो गई एकदम ही के पता ही चला CO साहब को, पुलिस फोर्स को मतलब ये अंदाजा नहीं गोलियाँ आकाश नहीं, वहाँ बहुत अंधेरा था, पुलिस फोर्स गोली चलाती तो कहाँ चलाती और समझ में नहीं आया, और मैं इतनी गोलियाँ बरसी अगर एक छत से गोलियाँ आई तो पुलिस फोर्स कवर करे भी एक छत को, 3-3 तरफ से गोलियाँ आ रही थी, ये दिक्कत थी सारी, और वो अंधेरे में और वहाँ एक बल्ब जला था पुलिस वाले उजाले में थे एक बल्ब के नीचे, तो जिसने आड़ ली तो आड़ उसने इस प्रकार से ली क्या विकास दुबे घर के छत से बचना है बस, जो वहाँ से फायरिंग उन्हें नहीं पता था फायरिंग पीछे से भी आ रही है दो तरफ से, इसलिए ज़्यादा कैजुअलिटी और हो गई, उनकी तबीयत ठीक है अब, हमारे SO सर थे वो भी आज डिस्चार्ज हो गए हैं, वो भी अब अपने मैं बोले सर कल आया था, हाँ अभी तो हमें 10 दिन बाद जाना है कानपुर, फिर और छुट्टी बढ़ा के आऊँगा लगभग 1-1.5 महीने तो रहना पड़ेगा, हमें तो यही लगा मतलब वहाँ इतनी संभव उनका मतलब ऐसा प्लान था कि वहाँ से मतलब कोई बच के ना जा पाए, हम तो बस 0.1% चांस देते हमारे ही बचने के, तो उचित कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने बहुत गलत काम किया है, अब ये मानने की मुखबरी हुई है, अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते इस मामले, लेकिन फिर भी उन्हें पता था पहले से, अभी नहीं पता कि सिविलियन ने कहा है या किसी स्टाफ ने कहा है, कन्फर्म नहीं हो सकता अभी तो, लेकिन उन्हें जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन उन्हें पहले कन्फर्म था हाँ कि पुलिस आएगी, क्योंकि बिल्कुल 100% तैयार थे एकदम, इंतजार बिल्कुल नहीं था, हम तो बस हमने इतना सुना था उसमें जाने से पहले, हमने पूछा सर से कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया सर नहीं सर हम दूसरी गाड़ी में, तो भैया आते हैं अजय सिंह, उन्होंने हमें बताया था कि विकास दुबे के यहाँ जा रहे हैं, तो विकास दुबे हम तो नॉर्मल जितने भी समझाते हैं सर के साथ ये समझ रहे थे,
हमें पता नहीं था इतना वो है। आप हमरा हैं एसओ साहब? हाँ, मैं उस दिन साहब का हमरा था, मैं और जितेंद्र पाल, जितेंद्र पाल जिसकी डेथ हो गई है मथुरा वाला, हम दोनों हमरा थे। वहां से सीनियर अफसरों ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। अजय ने बताया कि उसको अपने बचने की इतनी खुशी नहीं जितना रंज अपने साथियों की शहादत का है। तो वहीं जैसे ही लोगों को अजय के घर पहुंचने की जानकारी हुई, लोगों का अजय को देखने के लिए तांता लग गया। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।